प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजरो बाणसर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। इसके लिए हम लोग इस डायग्राम की हेल्प लेंगे। अपन ऐसा मान लेते हैं, मान हमारे पास में दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है, जो इस त्रिभुज PQT की भुजा PQ को A वेक्टर द्वारा और QT को B वेक्टर द्वारा दर्शाया जाता है और R वेक्टर यहां इससे PQT का परिणामी सदिश है। और हम बिंदु P से एक लंब डालते हैं और हम इस भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो हम यहां QTS भी एक अन्य त्रिभुज बनाते हैं, जो हम इसमें हेल्प लेंगे इसमें परिणाम ज्ञात करने के लिए। तो दो सदिश है ए वेक्टर बी वेक्टर, आर इनका परिणामी सदिश है, हमें इसका परिमाण ज्ञात करना है। देखो, हम इसके लिए पहले त्रिभुज पी क्यू एस टी की बात करें। अपन सब जानते हैं कि अल्फा, हमने दो कोण मान लिए अल्फा और थीटा। अपन जानते हैं कि कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है या आधार हो गया, क्या हो जाएगा, कर्ण। तो हम पहले पी एस टी जो त्रिभुज की बात करेंगे, तो त्रिभुज पी एस टी में, तो यहां पी एस आधार हो गया, टी एस लंब और पी टी क्या यहां पे कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण पी टी मतलब पी टी का स्क्वायर बराबर पी एस स्क्वायर प्लस एस टी, एस टी का स्क्वायर। हमें इस परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। देखो डायग्राम में पी एस का मान क्या हो सकता है, बताओ, पी क्यू प्लस क्यू एस हो सकता है, जो कि पी एस बराबर क्या हो सकता है भाई, पी क्यू प्लस में क्यू एस, पी क्यू प्लस में क्यू एस हो सकता है। यह आ जाएगा पी टी का स्क्वायर बराबर पी, अब पी एस का मान ये रख दो यहां पे, पी क्यू प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर प्लस में एस टी का स्क्वायर। देखो हमारे पास डायग्राम में पी क्यू का मान भी है ए वेक्टर और क्यू टी का मान भी है बी वेक्टर, नहीं तो क्यू एस है और नहीं एस टी है, तो हम इनकी पहले बात करेंगे। इसके लिए तो हम पहले पी क्यू एस और एस टी का जो मान निकाल लेते हैं, तो कैसे निकाल, इनका मान इस तरह मान लीजिए और ये हम समीकरण इसको एक डाल दें, मान हमारे पास में एक समीकरण है। जब हम त्रिभुज अब क्यू एस टी की बात करें, त्रिभुज क्यू एस टी में ये कोण है मुझे सामने लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा क्यू एस, ये हो जाएगा कर्ण क्यू टी। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें, अपन जानते हैं साइन बराबर क्या होता है भाई, लंब बटा करण, तो लंब बटा करण, लंब हो जाएगा टी एस और करण हो जाएगा क्यू टी। तो यहां से टी एस का मान क्या आ गया, क्यू टी, क्यू टी इंटू साइन थीटा, ये आ गया मान टी एस का। अब क्यू टी का मान दे रखा हमें, क्यू टी कितना है बी वेक्टर, चूंकि QT का मान कितना है B वेक्टर, तो ये मान यहां रख दो, तो आ जाएगा TS बराबर B वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा TS का मान नंबर दो समीकरण। हम इसी प्रकार से अब ST का मान निकाल लेंगे, S निकाले हमने, अब QS का मान निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हम अब आगे बात करें, वही कोस की बात करें, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा करण, आधार क्यू एस हो गया क्यू एस और करण क्या हो गया क्यू टी। यहां से क्यू एस का मान निकालो, क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा क्यू टी इंटू कॉस थीटा। अब क्यू टी का मान बी के बराबर है, तो क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ये मान आ गया क्यू एस का। अब हम समीकरण दो और तीन से टी एस और क्यू एस का मान समीकरण एक में रख देते हैं दोनों से।
तो देखो आगे क्या होगा, अब हम समीकरण एक भी मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, तो पीटी पीटी मतलब आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर का स्क्वायर बराबर पी क्यू। देखो पी क्यू का मान दे रखा है कितना, पी क्यू है, पी क्यू मान ए वेक्टर है, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस पी क्यू प्लस क्यू एस। देखो हमने क्यू एस निकाल लिया, कितना, बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में एस टी स्क्वायर। देखो हमने एस टी का मान निकाला, ये रहा टी एस, एस टी की बात है, पी वेक्टर ये है बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, इसका वर्ग कर देंगे। अब इसको हम खोल लेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। हम इसके आधार इसको खोल लेंगे, तो ये देखो आर वेक्टर, ध्यान दो जब हम वेक्टर पर स्क्वायर करते हैं, वेक्टर का वर्ग करते तो वेक्टर हट जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा केवल आर स्क्वायर, वेक्टर हट जाएगा वर्ग करने पर, ए वेक्टर वर्ग करो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, अब देखो इसका पूरा वर्ग करो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, टू ए वेक्टर, ये तो ए का मान है, बी का पूरा मान है, बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा और प्लस में इसका वर्ग कर दो तो ये जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इसको लिख लो पास में दोनों को, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कॉमन लो बी स्क्वायर को, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये बच गया टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कॉस थीटा। इसका मान अपन जानते हैं एक होता है जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो यहां जाएगा वो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, यहां से आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा परिमाण आ गया जो हमें ज्ञात करना था परिमाण, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।